डॉक्टर साहब, होल्ड ऑन टू दैट थॉट। एक काम करते हैं, जरा लगाइए ये जो मैंने आपसे कहा था, जरा वो लगाएं स्क्रीन पे। देखिए जी, यहाँ पर इसको रोक दीजिएगा, इसको रोकिएगा। जो डिवोर्सेस होती हैं उसके अंदर जो बहुत बड़े फैक्टर्स हैं, उसके अंदर 75% जो है वो लैक ऑफ कमिटमेंट, जो अभी डॉक्टर साहब बात कर रही थी कि आपको तौर पे शादी के लिए तैयार ही नहीं किया जाता, आपको बताया नहीं जाता कि शादी जो है वो एक इंस्टीट्यूशन का नाम है और इसमें दो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फिर उसके साथ बाकी उनके फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं। तो अच्छा, इनफिडेलिटी ऑफकोर्स 59.6% है, टू मच कॉन्फ्लिक्ट इन द फैमिली, ये भी अच्छी खासी इसकी एक परसेंटेज है जो आपको नजर आ रही है। फिर यंग एज मैरिज जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा ये पूरी दुनिया के हैं, याद रखिएगा पाकिस्तान के अंदर ये वाली जो चीज़ है फाइनेंशियल इशूज, ये सबसे पहले हैं और दूसरे नंबर पे टू मच कॉन्फ्लिक्ट इन द फैमिली, ये दूसरे नंबर पे है, और उसके बाद लैक ऑफ कमिटमेंट, और फिर डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा है, और सब्सटेंस अब्यूज़ जो है वो पाकिस्तान में बेतहाशा है। तो जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में पैसों की वजह से, रुपए की वजह से डिवोर्सेज होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस यानी मारपीट की वजह से डिवोर्सेज होती हैं, जो दूसरे लोग होते हैं अहबाब हमारे जो रिश्तेदार होते हैं उनकी वजह से डिवोर्सेज होती हैं, एट द सेम टाइम सब्सटेंस के अल्कोहलिज्म या किसी और ऐसी किसी चीज़ का शिकार होते हैं उनकी वजह से डिवोर्सेज होती हैं। तो लेट्स गो टू नदीम भाई, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से आप अग्री करते हैं डॉक्टर साहब की बात को कि हमको सिखाया ही नहीं जाता कि शादी में रहना कैसे? देखिए, अच्छा ये मैं मर्द और औरत दोनों की बात कर रहा हूँ, जैसे औरतों की नहीं है। देखिए, मसला शुरू होता है कि जब हम लड़की देखने जाते हैं या लड़का देखने जाते हैं, हम जो होते हैं बात सबसे पहले करेंगे जी कमाता कितना है, पैसे कितने, घर है कि नहीं है। अब ये सारी चीज अचीवमेंट के लिए कम से कम बंदे को 30 साल का होता है, ठीक है, जो राइट एज में पहले ज़माने में क्यों नहीं होता था, खानदान देखते थे, अच्छा लड़का है, शरीफ है, ईमानदार है, मोहब्बत करने वाला है, इसकी शादी करा दो। अब लड़की की तरफ जब हम जाते हैं, लड़की करती क्या है, डॉक्टर है, अच्छा कितना कमाती है, क्या करती है, इसके अब्बा क्या करते हैं, इसके अब्बा का कहाँ पे घर है, तो ये हम कमर्शियल चीज़ों पे आ रहे हैं। हम दो इंसानों के दरमियान शादी होती है, दो इंसानों के दरमियान रिश्ते होते हैं, इंसान को हर चीज़ सिखा रहे हैं मगर इंसान को इंसान बनना नहीं सिखा रहे। जी बिल्कुल, मैं बात से एग्री करूंगी कि आप देखें लड़की में एक और चीज़ भी देखी जाती है कि वो घर के काम भी आते हैं, चांद जैसी खूबसूरत बीवी भी चाहिए और बेटी भी चाहिए, बहू भी चाहिए, इसके अलावा उसको काम भी सारे आने चाहिए उसको, लेकिन वो डिग्री होल्डर भी हो, क्योंकि हम बता सकें हम डॉक्टर बहू भी ला रहे हैं। ये भी सब फैक्टर्स हैं। जो कॉलर है उनका यही था कि पढ़ाया लिखाया और फिर उसके बाद उसको एक्सपेक्ट ऐसे किया कि जैसे वो एक हाउसमेड है, राइट। अच्छा देखिए, ये भी एक एक तरह का एक तरफा एक पर्सपेक्टिव था जो हमें कॉल के थ्रू मिला है। मैं इस पर अगर जनरल बात करूँ वो ये कि आप जब आप देखने जाएं वेदर मेल और फीमेल, आप दोनों तरफ, क्योंकि हम दोनों की बात कर रहे हैं, तो आप बेसिक अपना एक नज़रिया एक पर्सपेक्टिव लेकर जाएं जो इन सब चीज़ों से हट के हो, राइट, कि जिसमें खूबसूरती का क्राइटेरिया क्या है, कितने बड़े घर का है या घर की है, ठीक है, कमाना कितना है क्या नहीं है, इससे हटके बंदे की जो उसकी अपने एट्रीब्यूट्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, माइंड सेट है, ये सब चीज़ें भी जो कि फैमिली से भी, और फिर वही बात है ना, एक दफ़ा की मुलाकात से यू कांट असेस ऑल दिस।